लोगों ने पानीपत शहर में, पानीपत शहर को पूरा इंडिया में ही है, सिर्फ पानीपत में नहीं है, कि शायद जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मेन अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। पानीपत में लंबे समय से डांस में प्रतिभा रखने वाले बच्चों को मंच देने वाले शक्ति भारद्वाज ने आज प्रेस वार्ता कर डांस के व्यापारियों को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने बता दिया कि वो पैसों को सलाम नहीं बल्कि प्रतिभा को सलाम करते हैं। दूसरी ओर पानीपत में डांस शो के नाम पर ऑडिशन में लूट मची है, वहीं शक्ति भारद्वाज अपने आने वाले डांस के शो में एक रुपए फीस ले रहे हैं। शक्ति भारद्वाज ने बताया कि उनका मकसद प्रतिभा को मंच देना है, न कि पैसा कमाना। शक्ति ने बताया कि आजकल डांस के शो व्यापार बन चुके हैं। अब बताते हैं आपको, शक्ति भारद्वाज ने ऐसा क्या सोचा कि एक रुपया लेकर मौका दिया जाएगा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। दरअसल शक्ति भारद्वाज को कुछ समय पहले एक डांस के शो में एक 21 साल का लड़का रोता हुआ मिला था। शक्ति ने लड़के से रोने का कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि शो की फीस के लिए उसे अपना मोबाइल बेचना पड़ा है। अब आप सोच सकते हैं, डांस के नाम पर शो करके दुकानदारी चलाई जा रही है। इसलिए शक्ति भारद्वाज की इस पहल का न्यूज हरियाणा भी स्वागत करता है, जिनके जैसे शख्स कला को सलाम करते हैं। 7 से लेकर 21 जुलाई तक ये ऑडिशन चलेगा और ऑडिशन करीब दोपहर 2 बजे सेक्टर 13 सतारा शक्ति डांस स्टूडियो में रखे गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी हम न्यूज हरियाणा पर डांस के व्यापारियों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं और इसी प्रकार का सवाल आज हमने शक्ति भारद्वाज से पूछा, कहीं उनका मकसद इस शो से पैसा कमाना तो नहीं। इस बारे में शक्ति भारद्वाज ने कहा कि बच्चों की कला निखारने का अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये जंग उन्होंने पानीपत से शुरू कर दी है, इसलिए शो की फीस मात्र 1 रुपया रखी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि लोगों ने पानीपत शहर में, पानीपत शहर को पूरा इंडिया में ही है, सिर्फ पानीपत में नहीं है, कि शायद जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मेन अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। वो इवेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई GST की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वो अपना अर्न करते हैं और शो ख़त्म करते हैं, 1.5 महीने में साल का खर्चा निकालते हैं और अपना फिर अगले शो की तैयारी कर देते हैं। बट इस संस्था में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन फ्यूचर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया ही रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगले शो में हमने पहले शो से TRP ले ली तो अगले शो में हमने फीस रख दी। ये वादा है नई पहचान कला सोसाइटी का कि कभी भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इस शो की फीस सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया होगी और ऑडिशन की फीस 1 रुपया है। फाइनल की कोई फीस नहीं ली जाएगी। परसों संडे 7 जुलाई से इसके ऑडिशन स्टार्ट हैं। 7 जुलाई, 14 जुलाई और 21 जुलाई, 3 संडे लगातार इसके ऑडिशन होंगे सेक्टर 13 सारा शक्ति डांस स्टूडियो पर। और 28 जुलाई को बहुत बड़े लेवल पर आर्य कॉलेज के ऑडिटोरियम में इसका ग्रैंड फिनाले होगा, जिसके मुख्य अतिथि पानीपत से सुमिता कटारिया मैम रहेंगे। और इस शो के जो ऑडिशंस हैं वो सिर्फ 3 संडे ही हैं, 2 बजे का उसका टाइम रहेगा एवरी संडे। तो पानीपत शहर के जो भी लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है वो पैसों की वजह से अब तक रुका हुआ था। काफ़ी केसेस ऐसे मैं देख चुका हूँ, तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने फीस 1 रुपया रखी है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके नोन में जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के जो लिंक है वो शेयर करें, ताकि हर किसी के पास जो नॉलेज है, जो इस शो का हमारा मेन मकसद है, वो हर किसी के पास पहुंच पाए और हर कोई इस शो में पार्टिसिपेट कर पाए।